हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड में लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चले फ्रेंड, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड, आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य, अत्यावश्यक, आदेश सूचक, इसका मतलब होता है। तो आपको इसमें क्या रहेगा? सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन। तो आप किसी को जब इस टाइप का सेंटेंस बनेगा, किसी को रिक्वेस्ट करना है, किसी को ऑर्डर दे रहे हो या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तब आप इसका यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, आप कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका इसमें मेन वर्ब पहले आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें आपका पहले अभी सब्जेक्ट नहीं आया, इसमें पहले मेन वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, अपना नाम बताओ। तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, अपना नाम बताओ। तो हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे? अब मेन वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे? नाम बताओ अपना, है ना, बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा? टेल अपना योर नेम, नाम को क्या बोलेंगे? नेम। टेल योर नेम। अब इसी तरह देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, अपना काम करो, है ना। यहाँ पे भी ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपना काम करो। तो पहले करो, तो आपका मेन वर्ब क्या है? करो। तो इसका फर्स्ट फॉर्म लेना मेन वर्ब का, तो फर्स्ट फॉर्म करो को क्या बोलेंगे? डू। डू अपना को क्या बोलेंगे? योर। काम को क्या बोलेंगे? वर्क। डू योर वर्क। इसी तरह आइए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, पत्र लिखो, है ना, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पत्र लिखो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पहले आपका मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखने को क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो लिखो को क्या बोलेंगे? राइट अ लेटर। पत्र को लेटर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए आपको और एग्जांपल देके बता देती हूँ, किताब बंद करो, है ना, ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो बंद करने को क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। मेन वर्ब आपका क्या है? बंद करना। बंद करने को क्लोज बोलते हैं, तो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो क्लोज, किताब को क्या बोलेंगे? बुक। क्लोज बुक, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसी तरह और एग्जांपल पे आ जाते हैं, मुझे बताओ, है ना, मुझे बताओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताओ। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आपका बताने को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। मेन वर्ब आपका क्या है? बताओ। तो बताने को क्या बोलते हैं? टेल। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो टेल मुझे को क्या बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट में आता है मुझे, तो आई रहता है, ऐसे सब्जेक्ट में आएगा, जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी हो जाएगा, टेल मी, ठीक है फ्रेंड, आया समझ में। चलिए आपको और एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, मोमबत्ती बुझा दो, है ना, ये ऑर्डर दे रहे हैं, मोमबत्ती बुझा दो। तो इसमें आपको बुझाने को क्या बोलते हैं? ब्लो आउट, ठीक है। तो ब्लो आउट का फर्स्ट फॉर्म आपका ब्लो आउट ही रहेगा, मेन वर्ब आपको बुझा दो है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लो आउट। मोमबत्ती को आप क्या बोलेंगे? कैंडल। बुझाने को ब्लो आउट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ, अपने हाथ धो लो, अपने हाथ धो लो, है ना, यहाँ पे भी आपको ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने हाथ धो लो। तो यहाँ धोने को क्या बोलते हैं? वॉश बोलते हैं। मेन वर्ब आपका क्या? धोना। तो धोना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वॉश। अपने को क्या बोलेंगे? योर। हाथ को क्या बोलेंगे? हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। तो फ्रेंड, ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, और मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताती हूँ। इसमें हम मेन वर्ब पहले लगा के फिर ऑब्जेक्ट करके, अब सब्जेक्ट के साथ में इसका मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा? अब इस पे क्या रहेगा स्ट्रक्चर्स पे? सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें उसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, ऊपर वाले में सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, इसमें सब्जेक्ट आएगा, बाकी वही रहेगा, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। जब इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे तब हम ऐसा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया यहाँ पे,
तुम अपना काम करो, क्या यहाँ पे लिया, तुम अपना काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। फिर मेन वर्ब क्या है, करना, करो, तो करो को क्या बोलते हैं, डू। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यू डू अपना काम, तो क्या बोलेंगे, अपना को योर हो जाएगा, काम पर वर्क हो जाएगा, यू डू योर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह और एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, तुम पत्र लिखो, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं, तुम पत्र लिखो, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, तुमको यहाँ पे क्या लेंगे, यू। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यू राइट अ लेटर, है ना, पत्र को लेटर बोलते हैं, यू राइट अ लेटर। इसी तरह देखिए यहाँ पे और एग्जांपल पे आ जाते हैं, तुम एक ग्लास पानी पिलाओ, पानी लाओ, सॉरी, तुम एक ग्लास पानी लाओ, ठीक है। यहाँ पे भी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम एक ग्लास पानी लाओ, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू। अब लाना मेन वर्ब है हमारा, पानी लाओ, लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग बोलते हैं, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो यू ब्रिंग एक ग्लास, वन, एक वन ग्लास पानी को, वाटर, यू ब्रिंग वन ग्लास वाटर, ठीक है फ्रेंड। चलिए और मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे बता देती हूँ, तुम नीचे जाओ, ठीक है, ये आपको ऑर्डर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तुम नीचे जाओ, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम है, तो तुमको क्या बोलेंगे, यू, है ना। अब आपका मेन वर्ब क्या है, जाओ, तो जाओ को क्या बोलते हैं, गो, तो गो मेन वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा मेन वर्ब का, तो यू गो, नीचे को क्या बोलेंगे, डाउन, यू गो डाउन, ठीक है फ्रेंड, आया समझ में। चलिए इसी तरह को एग्जांपल से बता देती हूँ मैं, तुम फूल मत तोड़ो, है ना, तुमको इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि तुम फूल मत तोड़ो, तो आपका सब्जेक्ट तुमको क्या बोलेंगे, तुम है, सब्जेक्ट यू, तोड़ना, मत तोड़ो आपका मेन वर्ब है, ठीक है, तो मत तोड़ो बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे डू के साथ में आपका नेगेटिव है, तुम फूल मत तोड़ो, तो यू डोंट, है ना, डू नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डोंट लिखा है, यू डोंट। तोड़ने को क्या बोलते हैं, प्लक बोलते हैं, ठीक है, प्लक फ्लावर, ठीक है, फूल को क्या बोलेंगे, फ्लावर, यू डोंट प्लक फ्लावर, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह देखिए आपको मैं एक एग्जांपल से और बता दे रही हूँ, तुम अपना नाम बताओ, है ना, यहाँ पे आपको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम अपना नाम बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या लेंगे, यू, बताना आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को क्या, यहाँ पे बताने को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाए हैं, यू टेल अपना नाम, योर नेम, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।